हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और जैसे कि मैंने पार्ट वन और पार्ट टू और पार्ट थ्री अपलोड कर दिया है, और जिस जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाके देखिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज मेरा पार्ट फोर है, हम लोग पार्ट फोर बनाने जा रहे हैं, तो फिर चलें शुरू करते हैं। जैसा कि गाइस आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में लावा ढूंढा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अभी आयरन भी देखा था, तो हम आयरन भी तोड़ लेते हैं। और ये हमने आयरन तोड़ लिया है, और यहाँ पे हमारे पास 30 आयरन है, तो हम लोग पहले इसको फर्नेस में आयरन इंगट्स बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पे 15 इधर कर लेते हैं और 15 दूसरे फर्नेस में डाल देते हैं, ताकि हमारा जल्दी से आयरन बन जाए। और गाइस आपने देख लिया था हमने कितनी प्रोग्रेस करी थी, हमने 6 रेल्स बना लिए थे, और ये डिटेक्टर रेल्स भी हमें सॉरी हमने बना नहीं लिए थे, हमें मिले थे। और ये नेम टैग्स, ये ग्रेवल, ऑस्टेक्स वुड और लैपिस और गोल्ड, और हमने आयरन का आर्मर भी बना लिया था। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा 3 आयरन हो चुका है स्मेल्ट, और नीचे वाले में भी 5 आयरन हो चुका है। तो हम लोग पहले क्राफ्टिंग टेबल रख के बकेट बना लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोग 2 बकेट्स बना लेते हैं, और ये है स्टोन कटर, लेकिन हमें अभी स्टोन कटर की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग अभी स्टोन कटर नहीं बनाएंगे। और गाइस हम यहाँ पे सारा अपना वापस ले लेते हैं, और हम लोग अभी देखते हैं, हमारे पास 2 बकेट्स हैं, तो हम लोग एक बकेट में, आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों 2 बकेट्स बनाई, तो मैंने एक में मैं लावा उठाऊंगी और एक बकेट में पानी लूंगी, ताकि हमारे पास लावा भी हो। और ये हमने यहाँ से, हमारे पास 17 आयरन हो चुका है, और अभी हमारा आर्मर फुल हेल्थ का है, तो अभी हम लोग आर्मर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और हम लोग एक शेयर बना लेते हैं, जो हमारे बाद में कभी काम आ सकती है, लीव्स वगैरह तोड़ने के लिए। हम लोग ये यहाँ पे यूं करके सेट कर लेते हैं, और लावा की बकेट को भी हम अंदर रख लेते हैं, कभी अगर हमारे हाथों से अगर गिर गई तो हम लोग फिर वहीं पे हमारी डेथ हो जाएगी। और जैसे कि आप गाइस देख रहे हैं कि मेरे पास 22 आयरन आ चुके हैं, तो हम लोग ये नीचे वाले फर्नेस को तोड़ लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 5 गोल्ड इंगट्स भी आ जाएंगे अभी, बस अभी हमारे पास पानी की बकेट, हमारे पास वाटर नहीं है, तो हम जब तक अभी जब तक वहाँ पे गोल्ड माइन वो स्मेल्ट हो रहा है, तो हम लोग जब तक ये रेडस्टोन माइन कर लेते हैं।
और यहाँ पे और गोल्ड है गाइस, हम लोग ये भी माइन कर लेते हैं। ये गोल्ड तो मैंने देखा ही नहीं था, यहाँ पे इतना सारा गोल्ड है, तो इसको भी जल्दी से माइन कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड हमारे नेदर में बहुत काम आता है, क्योंकि तो नेदर में नई अपडेट्स आई हैं, उसके अंदर वो हमसे ट्रेड भी करते हैं, तो उनको गोल्ड से वो ट्रेड करते हैं। और कभी कभी वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी देते हैं, और एंडर पर्ल्स भी दे देते हैं कभी कभी। तो हमारे पास अभी 5 गोल्ड इंगट तो आ चुके हैं, हमारे पास ये 6 आ चुके हैं, और हमने लावा भी उठा लिया है बकेट में अपनी। यहाँ पे लोग यहाँ से अपना बिल्डिंग मटेरियल बाहर निकाल लेते हैं, और ये फालतू का सामान अंदर रख देते हैं। तो ये हम यहाँ से, ताकि हम रेडस्टोन माइन कर लें, ताकि मैंने इसलिए लावा ब्लॉक कर दिया यहाँ से, और यहाँ ऊपर भी रेडस्टोन है, तो जल्दी से इसको माइन कर लेते हैं। और यहाँ पे गाइस डायमंड ज़रा सा भी नहीं है, हम लोग देखते हैं हमारा गोल्ड स्मेल्ट हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्राफ्टिंग टेबल को अपनी इन्वेंटरी में रख लेते हैं। और यहाँ पे हमारा गोल्ड भी बन चुका है, तो हम लोग फर्नेस को यहाँ से ले लेते हैं, और कहीं और माइनिंग भी निकलते हैं। के लास्ट में हमने पूरे, और यहाँ पे लैपिस भी पड़ा हुआ है गाइस, तो हम लोग यहाँ से लैपिस भी ले लेते हैं, क्योंकि लैपिस हमारी इंचेंटिंग करने में बहुत काम आता है। गाइस लैपिस की एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जब भी उससे तोड़ते हैं तो डबल मिलता है लैपिस। और हम लोग यहाँ पे आयरन भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि अगर हमें आयरन की ज़रूरत पड़ी, लेकिन वैसे तो हमारे पास ज़्यादा आयरन तो है, हमें कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग ले लेते हैं। ये हमने रेड स्टोन भी हमें और मिल गया था, तो हमने इसको रेड स्टोन को भी कलेक्ट कर लिया, और यहाँ से हम लोग कोल भी ले लेते हैं, क्योंकि कोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोल से हमारी टॉर्चेस और सब कुछ बनता है। तो हम जल्दी से कोल माइन कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा और गोल्ड है, तो हम लोग ये भी माइन कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ 1 गोल्ड था, और यहाँ पे रेड स्टोन भी हमें मिल गया, और यहाँ पे आ गया और रेड स्टोन है, तो हम लोग इनको भी माइन कर लेते हैं। तो गाइस मुझे यहाँ पे स्पाइडर दिख रही है, और गाइस हम जल्दी से यहाँ से वाटर ले लेते हैं, हम लोग यहाँ से वाटर ले लेते हैं। यहाँ पे भी एक और स्पाइडर है,
यहाँ पे गाइस बहुत सारे स्पाइडर्स हैं, तो हम लोग जाके गाइस यहाँ पे लेटेस्ट भी है, तो गाइस हम लोग जाके स्पाइडर को जल्दी से मार देते हैं। और स्पाइडर नीचे गिर चुकी है, तो जैसे हमें उससे स्पाइडर आई मिली है, तो गाइस हम लोग ऊपर चलते हैं। तो गाइस हमें यहाँ पे लेटेस्ट भी हमें मिला है, तो हम लोग लैपिस को ही माइन कर लेते हैं। हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल कम हो गया, हम लोग पहले पानी को ब्लॉक कर देते हैं। आज हम लोग जल्दी से लैपिस को माइन कर लेते हैं। और आज हम लोग लैपिस को पता नहीं क्यों पिकअप नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लैपिस हमें मिल चुका है, तो हम लोग आगे चलते हैं। और ये केव गाइस बहुत, और गाइस यहाँ पे हमें शायद ये गाइस रवीन है, हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे चलते हैं। हम लोग पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक ब्लॉक रख के हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग करके हम लोग वहाँ चलते हैं। और ये यहाँ पे आयरन है, तो आयरन को भी माइन कर लेते हैं। आज हम लोग जल्दी से स्केली को मार देते हैं। यहाँ से वाटर ले लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। हम लोग हमारे पास टॉर्चेज हैं, यहाँ पे गाइस आयरन बहुत ज़्यादा है, हम लोग ये ज़ॉम्बी को मार देते हैं जल्दी से। हम लोग आगे चलते हैं। तो गाइस हमें जो केव मिली है
बाद यहाँ पे हमें एक और ज़ॉम्बी मिल गया था, उसको ही मार दिया है। गाइस ये बहुत लंबी केव है, यहाँ पे एक छोटा ज़ॉम्बी है। हम लोग यहाँ से एरिया ब्लॉक कर देते हैं। तो वैसे यहाँ पे पहले से टॉर्चेस लगी हुई हैं, तो शायद कि मैं अपने ही एरिया पे आ चुकी हूँ। लेकिन बाद हम लोग नीचे चल के देखते हैं, हम थोड़ा सा आयरन ले लेते हैं जब हमें इतना सारा मिल रहा है। हम लोग उसको फॉलो करते हैं, तो गाय हमें यहाँ पे लेपर्ड भी मिला है बहुत सारा। तो गाइस हम लोग जल्दी से जाके लैपिस को माइन कर लेते हैं, और गाइस हमारे तो लास्ट हंगर है, तो हम जल्दी से फूड भी खा लेते हैं वरना हम लोग भूख से ही मर जाएंगे। और गाइस जैसे कि हम लोग ने ब्रेड खा दिए, और अब लैपिस को माइन करने चलते हैं। यहाँ पे हमें ग्रेवल भी मिल चुकी है, हम उसको भी माइन कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेवल से हमें फ्लिंट मिलती है, और फ्लिंट से हमारा यहाँ पे गाइस ब्लॉक ही नहीं है, तो हम लोग जल्दी से ब्लॉक लगा देते हैं ताकि हम लोग नीचे ना गिर जाए। तो जैसे कि हम लोग लैपिस के बाद आ गए, और जल्दी से हम लोग लैपिस को माइन भी कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें इतना सारा लैपिस मिल चुका है गाइस। और लैपिस के नीचे हम लोग कोई ब्लॉक लगा देते हैं, वरना लैपिस हमारा गिर जाएगा नीचे। तो गाइस यहाँ पे जमीन टाइप की कुछ बनी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे चल के देखते हैं। यहाँ पे इतना सारा पानी है, तो गाइस हम लोग जल्दी से चलते हैं। और हमारे पास गाइस बिल्डिंग ब्लॉक्स ख़त्म ही हो चुके हैं, तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे माइन कर लेते हैं थोड़े से, ताकि हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल हो। और अब मेरे ख्याल से गाइस हम लोग यहाँ केव से बाहर निकलते हैं और विलेज ढूंढते हैं, और जल्दी से हम लोग यहाँ पे कॉबलस्टोन माइन कर लेते हैं ताकि हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल आ जाए। तो गाइस हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल बहुत सारा है, तो जैसे कि गाइस हमारे पास यहाँ पे हम बटन को नीचे कहीं भी रख देते हैं, वैसे गाइस हमारे काम आएंगे अगर हम लोग घर बनाएंगे।
तो गाइस ये भी हम थोड़े से कॉबल स्टोन है तो ये भी हम तोड़ लेते हैं। और गाइस हमारे पास शायद 38 ब्लॉक्स काफ़ी होंगे। और गाइस यहाँ पे स्लाइम आ गया था, स्लाइम से हमें कुछ भी नहीं मिला। हम लोग जल्दी से ऊपर चलते हैं। तो गाइस हम जल्दी से ऊपर चलते जाते हैं और हमारे पास टॉर्चेस भी बहुत कम है। तो हमारे पास जो एक स्टिक्स है उसकी हम लोग 7 टॉर्चेस हमारे पास बन चुकी है। तो गाइस ऊपर रास्ता ब्लॉक हो चुका है तो हम लोग जल्दी से माइन कर लेते हैं। और हमारी पिकेज भी बहुत ही आधी हेल्थ पर है। तो गाइस हम जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं और हमें ये भी देखना होगा कि रात तो नहीं हो रही। वैसे रात होनी तो नहीं चाहिए वरना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम जल्दी जल्दी बिल्ड करते हुए ऊपर चलते हैं। और गाइस हमारे यहाँ पे पिकेक्स टूट चुकी है तो हम जल्दी से यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल रख के जल्दी से हम लोग पिकेक्स बना लेते हैं। हम लोग जल्दी से पिकैक्स बना लेते हैं। ये हमने पिकैक्स बना ली और जल्दी से हम लोग क्राफ्टिंग टेबल को माइन कर लेते हैं। यहाँ पे जल्दी से बिल्ड करते जाते हैं और यहाँ पे जल्दी से गाइस ऊपर और माइन करते हैं। तो गाइस मेरे ख्याल से हम लोग ऊपर ही हैं, बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग बिल्कुल डर्ट के पास आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे एंडरमैन की आवाज़ें आ रही हैं तो हम लोग जल्दी से ऊपर चलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे दिन हो रहा है, रात नहीं हो रही। और हम लोग कहीं यहाँ हम लोग एग्जैक्ट सेम जगह पे आए हैं गाइस। कि गाइस आपको याद होगा मैंने यहाँ पे अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा था तो हम लोग बिल्कुल अपनी सेम एग्जैक्ट जगह पे ही स्पॉन हुए हैं। तो हम लोग जल्दी से हम लोग फूड इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ पे गाइस मेरे पास जगह ही नहीं है तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी टॉर्चेज ही बना लेते हैं और ये बटन फेंक देते हैं। और गाइस और रात भी हो चुकी है तो हम लोग जल्दी से वाइन के ऊपर चढ़ के हम लोग यहाँ पे पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो गाइस हम लोग पेड़ पे चढ़ चुके हैं, बस हमें ये ख्याल रखना है हमें नीचे नहीं गिरना। और यहाँ से हमारे पास शेयर्स थे तो हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे शेयर्स से
ये भी एक टाइप के ब्लॉक्स होते हैं, तो हम लोग इनको कलेक्ट कर लेते हैं। और हम लोग यहाँ से हम लोग ये लीव रखते हुए दूसरे पेड़ पे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हम लोग जल्दी से यहाँ पे जम मार लेते हैं और जल्दी से लीव्स कलेक्ट कर लेते हैं। और ये हमारे पास गाइस टोटल हमारे पास 14 लीव्स आ चुके हैं। और हम लोग और थोड़े से लीव्स ले लेते हैं। और हमारे पास टोटल 28 लीव्स हो चुके हैं। और गाइस मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा नीचे चल लेना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे आपको तो गाइस पता होगा जो, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हेड रख के यहाँ पे चले जाते हैं। और यहाँ से सुबह होने तक का वेट करते हैं, जब तक हम लोग यहाँ पे फर्नेस लगा के थोड़ी सी स्मेल्टिंग कर लेते हैं। और हम लोग यहाँ पे कुक्ड फूड कर लेते हैं, कुक्ड मटन कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पे हमारा कुक्ड मटन बन चुका है। गाइस हमारे बन चुका है। और गाइस अभी तक नाइट ही है और हमारे पास फूल भी नहीं है कि हम लोग बेड बना लें। नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे आर्मर की थोड़ी सी हेल्थ जाना शुरू हो चुकी है। तो हम लोग हमारे पास यहाँ पे 22 आयरन हो चुका है। और हम लोग पहले सेटअप कर लेते हैं जो हमारा यूज़फुल सामान है, उसको हम लोग एक जगह सेटअप कर लेते हैं, जो हमें वहाँ से मेन मेन चीज़ें मिली हैं। तो हम लोग ये डिटेक्टर रेल, नेम टैग, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा 3 आयरन स्मेल्ट हो चुका है और अभी तक डे नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोल हम लोग रख देते हैं। और गाइस यहाँ पे हमें ग्रेवल भी मिली हुई है और यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। और हम लोग यहाँ पे हमारे 3 आयरन और हो चुके हैं। तो गाइस हमारे पास 29 आयरन हो चुके हैं।
तो गाइस हम जल्दी से आयरन स्मेल कर लेते हैं। तो गाइस हमें यहाँ से जो हमें सामान मिला है आपको मैं एक दफ़ा बता देती हूँ क्या क्या सामान मिला हमें। जैसे कि 64 और 7 लेपिस मिला और 13 गोल्ड और रेड स्टोन के 2 स्टैक्स और 55 रेड स्टोन और नेम टैग्स मिले हमें वहाँ से और 35 आयरन मिला और हमें हमें और गाइस हमें फेंसेस मिली और कुक मटन है हमारे पास और रेल्स हैं और डिटेक्टर रेल्स भी हैं और डिटेक्टर रेल्स 4 हैं और रेल्स हमारे पास 6 हैं और हमें लावा हमने लावा भी वहाँ से ले लिया था और वाटर बकेट भी है हमारे पास और हमने आयरन से शेयर्स भी बना लिए थे और अपना आयरन आर्मर भी बना लिया था और हमने अपने टूल्स भी बना लिए थे। और गाइस तो मेरे ख्याल से हम यहीं पर अपनी वीडियो एंड करते हैं। तो गाइस हम पहले एंड करके गाइस आपको यहाँ से सही से नज़र नहीं आ रहा होगा तो गाइस तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।